हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शुभम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो जी हाँ, आज मैं बहुत ही अच्छा सा एक टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो ड्रिंक नहीं पीना चाहते हैं, जो मेडिसिन नहीं खाना चाहते, इवन वर्कआउट तक करना नहीं चाहते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे ऑयल के बारे में बताऊँगी, होममेड ऑयल के बारे में बताऊँगी, जिसको लगा के आप अपने बॉडी की चर्बी को पिघला सकते हैं। वो चाहे आर्म फैट की चर्बी हो, वो चाहे आपके टमी की चर्बी हो, चाहे आपके ब्रा फैट की टमी हो, थाइस की टमी हो, आपके हिप्स की टमी हो, कहीं की भी टमी हो, इवन आपके फेस की जो डबल चिन होती है उसे भी पूरी तरह से मेल्ट करेंगे। बस रोज 2 मिनट आपको इसकी मसाज करनी है सोने से पहले, और हो सके तो आफ्टर बाद भी आप इसकी ले सकते हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव सोने से पहले आप अगर इस ऑयल से मसाज करेंगे तो आपका बॉडी फैट बहुत तेज़ी से गलेगा। और सबसे अच्छी बात होती है, देखिए जो बच्चे होते हैं उनको मसाज इसलिए दी जाती है ताकि उनकी मांसपेशियाँ टाइट हों और वो जल्दी चलना स्टार्ट करें, उनकी बॉडी जो ढीली है वो टाइट हो। सेम वही चीज़ हमें अपने पे भी वर्क करना है कि हमें अपनी बॉडी पे मसाज करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट पर्टिकुलर उस जगह की जहाँ पे हमें फैट बर्न करना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, लेकिन उसका भी देखिए मार्केट में बहुत सारे शेप अप ऑयल आते हैं, लेकिन वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं और कहीं ना कहीं उनका साइड इफेक्ट्स होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो कौन कौन से केमिकल्स डाल रहे हैं। आज मैं आपको फुल नेचुरल बताऊंगी, जो कि आप इजीली ले सकते हैं घर में, जिनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और आपके स्किन को बहुत ग्लो भी वो देगा, इवन जिनको स्ट्रेच मार्क है उनके स्ट्रेच मार्क्स भी दूर होंगे, और बहुत सारा वर्क करेगा ये आपकी स्किन में। तो कैसे बनाना है इस ऑयल को, कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक छोटी सी बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए लेना है आपको एक कांच की कटोरी। मैं इसे डेली बेसिस पे बना लेती हूँ, आप चाहे तो इसे बना के डिब्बे में भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए यहाँ पे नारियल तेल किसी भी कंपनी का, मैं पैरासूट का ले रही हूँ, जिसका प्राइस 41 रुपये है। सेकंड चीज़ चाहिए सिनेमन एसेंशियल ऑयल, जो इसे नहीं बहुत ही सस्ता है, अफोर्ड करने की बात नहीं, 155 रुपये का है, और गुड वाइब्स का मैंने लिया है। और अगर आप इसे नहीं परचेज कर सकते हो या आपको ऑनलाइन परचेजिंग नहीं आती है, तो जो स्टिक वाली आती है सिनेमन, उसे आपको नारियल तेल में डाल के गर्म करके फिर उसे ठंडा करिए, देन रख लीजिए, वो भी ऑयल सेम वर्क करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो बहुत ही थोड़ा सा आपको नारियल तेल लेना है। जैसे मुझे स्पेशली बैली फैट में थोड़ा सा लगाना होता है, बिकॉज थोड़ा सा बैली फैट है मेरा और एब्डोमिनल एरिया का है, तो इसे मैं लगाना प्रिफर करती हूँ। जस्ट लाइक मसाज थेरेपी भी मिल जाती है, बहुत रिलैक्स मिलता है। एसेंशियल ऑयल आपको कभी भी खाली नहीं लगाना है, और मैं इसकी सिर्फ बहुत थोड़ा सा क्वान्टिटी आपको लेनी है इसे, एंड नारियल तेल एंड जो सिनेमन ऑयल है मिलके आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप सिनेमन ऑयल नहीं ले सकते तो जैसे मैंने बताया है वैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सिनेमन एसेंशियल ऑयल को कभी भी खाली मत लगाइएगा, वरना ये आपको इचनेस दे देगा। देन उसके बाद आपको इसे लेके सिर्फ मसाज करनी है 2 से 3 मिनट तक। बहुत ही अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा वहाँ पे, जितना भी फैट होगा, जो भी चर्बी होगी, जो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है जिसकी वजह से फैट वहाँ पे इकट्ठा होने लगा है, वो बहुत तेज़ी से रिड्यूस होगा। और बहुत ही सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है, वो चाहे बैली फैट हो, आर्म फैट हो, थाइस, मतलब कहीं का भी। तो एक बार ये ट्राई करिए और 15 दिन बाद इसका इफेक्ट देखिए। और ये तो ऐसी चीज़ है कि आप हमेशा कर सकते हो, अगर आप नाइट में नहीं कर सकते, बाथरूम में जाइए, थोड़ी देर मसाज करिए, देन नहा लीजिए। मेन हमें उस जगह की अपना ब्लड सर्कुलेशन तेज करना है, जिस जगह पे चर्बी जो है बहुत तेज़ी से जम गई है। जब आप उस जगह का सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे तो जो भी चर्बी है वो पिघलेगी और धीरे धीरे आपके स्वेटिंग के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ बाहर निकल आएगी। तो एक बार इस रेमेडी को ट्राई करिएगा, और आप इस ऑयल को बॉटल में भी बना के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा
यहाँ दो इंग्रेडिएंट ऑयल है, आप इसे लीजिए बनाइए। जिन लोगों को पास ये आप ऑयल नहीं ले सकते हैं, सिनेमन एसेंशियल ऑयल, तो आप जैसे मैंने घर में बताया आप उस तरह बना सकते हैं। एक बार ट्राई जरूर करिएगा और इसका इफेक्ट देखिएगा कि कितना अच्छा है। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।